दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य एकेडमी रीवा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में शादी समारोह में शामिल होने गए एक परिवार के सोने पड़े घर पर बाइक में सवार होकर तीन चोरों ने घर में रखे सोने चांदी के जेवरात नकदी सहित लाखों का माल पार कर दिया। चोरी का पता सुबह उस समय चला जब परिवार शादी से लौट कर घर आया, जिसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी। घर के आसपास लगे सीसीटीवी खंगाले गए तो उसमें चोर घर में घुसते हुए और वारदात के बाद निकलते दिख रहे हैं। पुलिस ने जांच के बाद चोरी का मामला दर्ज कर लिया है। ग्वालियर थाटीपुर थाना क्षेत्र के न्यू शकुंतलापुरी में रहने वाले तखत सिंह रजक के सोने पड़े घर में बाइक सवार नकाबपोश चोरों ने धावा बोला। मकान मालिक भांजे की लगन के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बाहर गए थे। मकान सूना था और चोरों ने घर में रखे सोने चांदी के जेवरात और 80,000 रुपये चोरी किए और भाग निकले। चोरी का पता उस समय चला जब परिवार भांजे की लगन के कार्यक्रम से वापस घर लौटा तो घर के सभी ताले टूटे हुए दिखे। अंदर जाकर देखा तो पूरे घर का सामान उथल पुथल पड़ा हुआ था, जिसकी सूचना तत्काल मकान मालिक ने पुलिस को दी। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू करने के बाद चोरी का मामला दर्ज कर लिया है। जब पुलिस ने पड़ताल करते हुए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालना शुरू किया तो एक सीसीटीवी कैमरे में पुलिस को बाइक सवार तीन नकाबपोश युवक घर के पास रुककर अंदर जाते और फिर बाहर निकलते दिखे। पुलिस ने संदेहियों के फुटेज निकाल लिए हैं और चोरों की तलाश शुरू कर दी है। थाटीपुर थाना के क्षेत्र के अंतर्गत एक दर्पण कॉलोनी में एक चोरी हुई है। इसमें क्या दंपत्ति शादी में गए हुए थे परसों और रात को चोरी हुई है। कल दिन में आए तो उन्होंने देखा, तब फिर जाकर उनके द्वारा रिपोर्ट लिखाई गई है थाना थाटीपुर में। उसमें 80,000 की चोरी उन्होंने लिखाई है जो रिपोर्ट की गई है उनके द्वारा। तो उसमें सीसीटीवी फुटेज मिले हैं। सीसीटीवी फुटेज में कुछ लड़के दिखाई दे रहे हैं जो कि संदिग्ध हैं और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस थाटीपुर की आगे बढ़ रही है। फरियादी क्या करते हैं? फरियादी के बारे में अभी दंपत्ति के बारे में अभी इस तरह की जानकारी कोई नहीं मिली है और चूंकि इसमें फोकस आरोपियों पर है जो कि सीसीटीवी फुटेज में आए हैं, उनके आधार पर ही इसमें अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।